हमारा भाई का मर्डर हो गया, बड़ी बेरहमी है। हम इंसाफ मांगने आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा गांव समाज मारा आया हुआ है, किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था, दुश्मनों ने बेरहमी तो मार दिया। तीन लड़की है, एक लड़का है मेरे भाई का। क्या पुलिस प्रशासन, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीसी कोई जिम्मेदारी लेता है मेरे भाई? शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं वाल्मीकि समाज पूरा, और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करो, नहीं तो पूरा का पूरा समाज सड़कों पे होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय की, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हैं। दरअसल मामला 16 तारीख का है, गांव गढ़ी बलोर का ये मामला है। परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि संदीप वाल्मीकि की हत्या कर उसके शव को खेतों में फेंक दिया गया। हालांकि शव बरामद किया गया था, परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि उसकी हत्या की गई है, और इस मामले में अभी तक कोई भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लेकर वाल्मीकि समाज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बोर्ड पर भी लिखा है कि जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार करो, संदीप वाल्मीकि को इंसाफ दो। एक बार सुनते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या कुछ था। हमारा भाई का मर्डर हो गया, बड़ी बेरहमी है। हम इंसाफ मांगने आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इंसाफ मांगने आए, और डीसी थे, एसपी थे, हमने तो पुलिस लारा दे रही है। 20 दिन हो गए, आज तक हमने कोई भी नहीं, कुछ भी हमने रो नहीं मिली है। मेरा भाई है, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा दिन रोवा, सारी रात रोवा, ये इनका कोई कमान आला, कोई सहारा नहीं रहा इनका, है ये किसके सारे टाइम पास करेंगे, हैं? हथियारों ने के चाहिए था उस पर, जो गरीब आदमी मारा हो के ले रहा था किसी के लिए, हो किसी का कुछ नहीं ले रहा था, वो तो किसी के साथ बुरा भी नहीं था, पूरा गांव समाज मारा आया हुआ है, किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था, दुश्मनों ने बेरहमी तो मार दिया उसको, बच्चों के भी तरफ नहीं लगाया उसके, उसका बच्चों का कौन सहारा बनेगा, हैं? सरकार भी हमारी सुनाई नहीं कर रही है, हैं? हम कहाँ जावे, सरकार ने वाल्मीकि समाज की जरूरत नहीं है के नीचा हो, उस हमारी भी सुनो, गरीब आदमी ना रोज मर मर कर रोड पर घेर देंगे, हैं? मुँह थोड़ी काम चलेगा हमारा, हमारे बच्चे भूखे प्यासे पड़े, कहे दिन हो गए, कोई भी नहीं देख रहा है काम ने, हैं? कोई भी नहीं गया हमारे तक, कोई भी नहीं गया काम ने, आना पड़ा उड़े लेकर अपने बच्चों को, यहाँ भी नहीं सुनाई होगी तो फिर हम चंडीगढ़ भी अप्लाई करेंगे, हैं? जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, हम रोड जाम भी करेंगे, हम यहाँ धरना धर कर बैठेंगे, इतना हमने इंसाफ नहीं मिलता, इतना हम जानते नहीं रहता है। परिवार वालों ने जानकारी दी है कि संदीप के छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो ऐसे में उनके बेटे का, संदीप का क्या कुछ कसूर था? उनका कहना है कि संदीप ही उनका घर का इकलौता सहारा था, परिवार को चलाता था, 4 उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो ऐसे में उसका क्या कुछ कसूर था? वहीं परिवार वालों ने गुहार लगाने के साथ साथ आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में आज वो पानीपत के लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर डीसी और एसपी से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ये मेरा भाई संदीप है जी, छोटा, उसका मर्डर कर दिया गया, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए, बेरहमी से उसको मारा गया। हाँ जी, और 16 तारीख को मतलब उसका मर्डर हुआ था, अभी तक हमारे को कोई पुलिस प्रशासन हमारे लिए, तो जब हमारे को कोई पता ही नहीं भाई कि कोई पकड़या नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही हमारे तो भाई की, है तो इसका मतलब हमारी तो कहीं वो है ही नहीं, हमारे को तो मारते रहेंगे ऐसे ही लोग और बचते रहेंगे, ये पुलिस प्रशासन, इसका मतलब हम गरीब है, पुलिस प्रशासन गरीब आदमी के साथ नहीं है, हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे को हम ऐसे ही मारते रहेंगे, हमारे बच्चों को कौन पालेगा? 3 लड़की है, एक लड़का है मेरे भाई का। क्या पुलिस प्रशासन, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीसी कोई जिम्मेदारी लेता है मेरे भाई को? मतलब मार दिया गया भाई इसको, हमारे को दिलासा दे, नीचे आए ऊपर से बिल्डिंग से, हम ऑफिस में नहीं जाएंगे, डीसी के, एसपी के ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम हमारे से आके नीचे मिले, हम कोई शोर शराबा नहीं कर रहे, कोई हम रोड जाम नहीं कर रहे, हमारी संतुष्टि हमारे को दे, और हमारे को जब पता चलेगा भाई, हमारे को संतुष्टि होगी भाई, एसपी साहब हमारे को कातिल को पकड़ के देंगे या ये पुलिस पकड़ के देगी। 36 बिरादरी हमारा गांव पूरा साथ है, सरपंच है,
और किसान यूनियन के प्रधान है, पूरा गांव है, मतलब पूरा साथ हमारे, पूरा गांव है, पूरी बिरादरी हमारे साथ। इस केस को हो गए जी 17 दिन, 17 दिन मेरे भाई का मर्डर हो गया। इस केस में हम पुलिस प्रशासन जैसे घटिया पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ का, क्योंकि कुछ जब पता ही नहीं चल रहा हमारे को, दिल्ली जाएंगे, एससीओग में जाएंगे जी दिल्ली, वहाँ अपनी वो रखेंगे हम, भाई हमारे भाई का मर्डर हो गया। और सुनवाई नहीं होती उसके बाद आप कहाँ जाना है? एससीओ दिल्ली जाएंगे जी, एससीआईओग में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय की, जहां पर आज वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है और संदीप वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहा है। परिवार वालों का कहना है कि 17 से 18 दिन हो चुके हैं लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो ऐसे में उनके अंदर गुस्सा है। उनका कहना है कि पानीपत पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे और इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। वहीं वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष गोविंदा लाहोट ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोबारा से एक घटना गढ़ी बलोर के अंदर पानीपत बोली के अंदर हुई और संदीप वाल्मीकि की बेरहमी से हत्या करके खेतों के बीच में डाल दिया गया। और आज तक भी 16 तारीख की बात है, आज 2 तारीख हो गई है, करीबन 10 दिन की बात होगी, 8-10 दिन की, अभी तक हत्यारों का पता नहीं लगाया। तो बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि अभी तक कोई भी जो दोषी है नहीं पकड़े गए। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, वाल्मीकि समाज पूरा, और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करो, नहीं तो पूरा का पूरा समाज सड़कों पे होगा और धरना प्रदर्शन होगा, रोड जाम होंगे। तो अपील करते हैं शासन से भी और प्रशासन से भी, दोनों से, कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालें। तो तस्वीरें आपको दिखाई पानीपत के लघु सचिवालय की, जहां पर संदीप वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए आज परिवार ही नहीं ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने गुहार लगाई है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वो आगे रणनीति बनाकर आगे आंदोलन भी करेंगे। तो अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।